दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म भारत के VFX स्टार रेटिंग्स और फिर फिल्म की कहानी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, इससे आप पूरी बात समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों भारत फिल्म की बात करें तो आज 4 जून को दुबई में और कल 5 जून को दुनिया भर में रिलीज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म के रिलीज से पहले ही इस फिल्म की दुनिया भर में काफी टावर तोड़ एडवांस बुकिंग कराई गई और इस बात से ये माना जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब दोस्तों जानते हैं कि ये फिल्म आखिर कितनी खास है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ इस फिल्म के लीड रोल में हैं और जैसा कि इस फिल्म में सलमान खान जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों किसी भी इंसान को प्रोस्थेटिक्स के जरिए बूढ़ा किया जा सकता है और मेकर्स ने भी इस फिल्म में सलमान खान को बूढ़ा बनाने के लिए यही किया। लेकिन दोस्तों इस उम्र में सलमान खान के लिए आज से कई सालों पहले जवानी के किरदार को निभाना काफी मुश्किल था, लेकिन इस फिल्म में सलमान खान को शानदार VFX के जरिए जवानी के किरदार को भी संभव बनाया गया, जो कि इस फिल्म में आपको सलमान खान और फिल्म के मेकर्स की मेहनत साफ तौर पर दिखेगी। वहीं दोस्तों अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में कटरीना कैफ की भी खासी तारीफें हो रही है और उनकी कुछ डायलॉग्स सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी वायरल हो रही है। एक्सपर्ट का दावा है कि ये फिल्म फुल पैसा वसूल होने वाला है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के कहानी की बात की जाए तो इस फिल्म में भारत नाम के एक आदमी की जर्नी को दिखाई जाएगी। ये कहानी 1950 के बंटवारे की है, जब लोग अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब बंटवारे में बिछड़ रहे एक पिता ने अपने बेटे को कहा था कि अगर वो वापस ना आ पाए तो बेटे को ही घर का मुखिया बनकर परिवार की देखभाल करनी होगी और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ सलमान खान के पिता के किरदार में होंगे। वहीं दोस्तों इस फिल्म के रिव्यू रेटिंग्स की बात की जाए तो ज्यादातर लोग इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार, कोई 5 में से 4 स्टार या किसी के द्वारा 5 में से 4.5 स्टार दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इस फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा भी कल इसी तरह का रिव्यू देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों आपके हिसाब से इस फिल्म को 5 में से कितने स्टार मिलने चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस न्यूज को लाइक कर दें और अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Subscribe my channel and press the bell icon.